ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर रघुवर दास ने कहा कि भारत आध्यात्मिक देश है और भगवान श्री राम हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। भगवान राम के नए मंदिर का सपना साकार हो रहा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश ने। राज्यपाल रघुवर दास जी हैं सर, बहुत दिनों का सपना, सदियों पुराना राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है आप लोगों का एजेंडा भी रहा था। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से भारतीय संस्कृति के प्रतीक है और इसीलिए 500 वर्ष से हमारे पूर्वज संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। इससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग खुश हैं, क्योंकि भगवान राम के जो अलौकिक शक्ति है, जो ज्ञान है, उससे कोई एक संप्रदाय ही प्रभावित नहीं हो रहे, पूरी मानव जाति उसके ज्ञान से, अलौकिक शक्ति से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सारा दुनिया आज भव्य राम मंदिर अयोध्या बनने से खुश है। कुछ लोग इनकार कर रहे हैं ना जाने का, इसमें आप राजनीति देख रहे हैं क्या? देखिए, मैं फिर कहना, भगवान राम किसी दल विशेष का नहीं है, भगवान राम राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। तो ये रघुवर दास जी, उन्होंने कहा कि राम मंदिर सदियों के इंतजार के बाद आ रहा है, इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होगा सभी लोगों के लिए। कैमरामैन कैश के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।